जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि आज मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई गिरफ्तार कर रही है और आज दिल्ली में हम लोगों ने ऐसा नज़ारा देखा जो आज तक आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। ये आज़ादी से पहले ऐसा नज़ारा देखा जाता था जब आज़ादी के मतवाले और आज़ाद कराने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए कुर्बानियां देते थे, देश के लिए जेल जाया करते थे, अंग्रेज़ों की पुलिस की यातनाएं सहा करते थे, झूठे मुकदमों के अंदर उनको बार बार अंग्रेज़ सरकार फंसाया करती थी और उनकी पुलिस उनको अलग अलग मुकदमों में जेल में डाला करती थी। आज देश में आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है और आज दिल्ली की सड़कों पे ठीक वैसा माहौल था, कोई रोष प्रदर्शन नहीं था, कहीं पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं थी, किसी तरीके का कोई दुख, किसी तरीके का कोई झगड़ा आज दिल्ली की सड़कों पे नहीं दिखा। दिल्ली के लोग और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया जी को आशीर्वाद देने, बधाई देने उनके घर पहुंचे और उन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया जी, हमें आप पर गर्व है, आप आज़ादी की दूसरी लड़ाई में अपनी कुर्बानी देने जा रहे हैं, सब कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं, सर पे कफन बांधकर आपके साथ चलेंगे और हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के इन सारे षड्यंत्रों के खिलाफ दिल्ली के लोग और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये वादा आज मनीष सिसोदिया जी को किया गया और ये बात जो जश्न आज दिल्ली की सड़कों पे मनाया गया, जो बसंती रंग की पगड़ियां पहन के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगों को हाथ में लेके झूम रहे थे, इसको देख के भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द जो है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने आज़ादी के 55 साल बाद भी अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया था। तो उनके पेट का जो दर्द है हम समझ सकते हैं।